शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम मैंने 50 बार मना किया ना, पानी मत भीगो, लेकिन तुम तो सुनते ही हो। क्या तुम हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो? ये तो पानी में खेल रही थी, फिर इसे क्यों जुकाम नहीं हुआ? इधर तुम भी कम नहीं हो, ठीक है? क्या हो गया? क्यों डांट रही है इतने प्यारे प्यारे बच्चों को? आ जा पिंकी। वैशाली, मैं परेशान हो गई इस लड़के की हरकतों से। अरे जो चीज मना करो उसको बार बार और ज्यादा करता है, और जो चीज एक बार ठान ले ना उसको तो करके ही दम लेता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वैशाली तुम जरा इसके बाल पोछो, मैं पिंकी के कपड़े चेंज कराती हूँ। चलो तौलिया। इसका यही जिद्दीपन तो मुझे पसंद है दीदी, मेरे लिए तो सिर्फ ये एक मोहरा है जो जितना अड़ियल होगा उतनी ही अच्छी तरह मेरे काम आएगा। लगते हो मुस्कुराते हुए। पिछले कुछ दिनों में तो जैसे मुस्कुराना भूल ही गए थे। जानते हो कितना डरा दिया था मुझे। इतने जतनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखी है मैंने। बस तुम हमेशा यकीन रखना अपनी नियति पर और अपने प्यार पर। तुम्हारी नियति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी चीज पसंद की आपने। मैं काम करता हूँ, इन्हें पैक करा देता हूँ। अरे रुकिए भैया, पैक करने से पहले सारी साड़ियाँ अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि आज शाम को ही हमें एक फंक्शन में इसे पहनना है। अगर पहनते वक्त कहीं पता चला कि साड़ी में कोई डिफेक्ट है तो इतने दूर हम यहाँ चेंज करने तो नहीं आ सकेंगे ना। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम, हमारी दुकान में सारी साड़ियाँ चेक करके ही रखी जाती हैं। लेकिन फिर भी आप कहती हैं तो आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये साड़ियाँ चेक है। अरे पता है भैया, लेकिन कस्टमर चाहते हैं तो एक बार और चेक कर लेता हूँ ना, मेरा क्या जाता है। सब ठीक है भैया, वो इसको पैक करने का पेपर गए। सुनना अंबर। हाँ मैं पैक कर लूँगा। अरे नहीं भैया, आपने और समीर भैया ने इतने दिनों तक कितनी मेहनत की है, अब मेरी बारी है। लेकिन तुम। अरे ठीक है ना भैया। अरे अंबर। हाँ भैया। इधर आया। इनका बिल कैसे बनेगा? इनका बिल भैया, ये बच्चा इस घर में तभी आएगा जब तुम मुझे पूरा विश्वास दिलाओगे कि उसे उसका हक मिलेगा। क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारा भाई ज्यादा प्यारा है तो मैं अबॉर्शन करवा लूंगा।
जिस दुकान को इतने बरसों तक तुमने अपने खून पसीने से सींचा, आज उस दुकान में तुम रहो या ना रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबर भैया ने एक ही दिन में तुम्हें रिप्लेस कर दिया है। प्रसाद गाड़ी पैक करो। थैंक यू बहन जी, दोबारा आइएगा। हाँ बाय। भैया जरा जल्दी करना, लेट हो रहा है। चेक किया ना ठीक से? हाँ चेक किया। अब तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना वैशु। देखो देखो वैशु, मैंने वो कर दिया जो तुम चाहती थी। अब तो तुम हमारे बच्चे को कुछ नहीं करोगी ना? आओ बंटी, अंदर आओ। संभालती आओ। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो चाची? कहीं नहीं बंटी, बस तुम यहाँ पर आराम से एक मिनट के लिए बैठ जाओ। तुम्हें पता है मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। सच में चाची? हाँ दिखाओ। हाँ अपनी आंखें बंद करो। ओके चाची। गुड। आंखें खोल सकते हो। अरे वाह चाची, ये रिमोट कंट्रोल कार मेरे लिए है। सॉरी बंटी, बंटी ये कार हमारी नहीं है, पर अगर तुम कहो तो कुछ देर के लिए मैं तुम्हें ये कार चला कर दिखा सकती हूँ। ओके चाची। चलो चलो इसको चलाते हैं। इसे चलाऊं? नहीं बंटी प्लीज चाची, मैं जाएगी, मैं कर रही हूं ना। प्लीज ना चाची, प्लीज एक बार चाची। बहुत देर हो चुकी है और तुम्हारी तबीयत भी नहीं सही है, चलकर आराम करो। चाची बस एक बार नहीं बंटी। चाची थोड़ी देर और, बस चाची थोड़ी देर। कहा ना नहीं, थोड़ी देर ना चाची, ये हमारा नहीं है। प्लीज थोड़ी देर प्लीज ना चाची, थोड़ी देर चाची प्लीज। मैं तुम्हारी प्लीज चाची, चलो प्लीज ना चाची। अभी हो गया, थोड़ी देर चाची चलो ना, प्लीज थोड़ी देर खेले, थोड़ी देर खेलते है ना चाची प्लीज। चलो बहुत हो गया प्लीज चाची। जो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है और मैं तुम्हारे लिए कोडिंग देके आती हूँ। के? के चाची। बंटी बेटा ये लो पी लो, संभाल के। वेरी गुड, गुड बॉय। थैंक यू चाची। अब आराम से देख जाओ। के चाची। शाबाश। आराम से आराम से। बंटी तुम्हें बहुत ठंड लग रही है बेटा, तुम ऐसा करो ये पूरा मुंह ढक लो। हाँ आराम से सोचो। शाबाश गुड बॉय, सो जाओ। सॉरी भाभी, मैंने बंटी को कोल्ड ड्रिंक सिर्फ इसलिए पिलाया। शाली
कि अगर बंटी को बुखार आ जाएगा तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे भैया, साथ ही तो बजे हैं, थोड़ा सा और काम करें दो। अरे ऋषि, जरा देखना पीछे का दरवाजा बंद है कि नहीं। जी भैया। अरे और कितना काम करेगा, तेरा ऑफिस थोड़ी ना है कि जब काम खत्म हो तब तक करता रहे। चलते हैं घर। आजा। अरे मेरे जूते का रख दी प्रसाद में। आ रहा हूँ। ये भैया आपकी साड़ियाँ रखी अपने पास। आज सुबह में आपसे साड़ियाँ लेकर गई थी ना, कितनी बार मैंने बोला था आपको कि मुझे साड़ी चेक करके देना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर में फंक्शन है। शाम को जब मैंने साड़ी खोली तो मुझे पता चला कि इसमें दाग है। बताओ मैं क्या करूं? वहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ आकर तक मगजमारी करने के लिए आई हूँ। आप लोगों की अगर यही पॉलिसी रही ना तो भाई साहब आपको ये बेईमानी का पैसा फलेगा नहीं कभी, याद रखना। प्लीज मैम, आप सर इधर आइए, प्लीज प्लीज। अरे भाई साहब जो करना है जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, लेट हो रहा है मुझे। प्रसाद जरा लाइट ऑन करो और जरा पानी या कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। बहन जी मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी दुकान से आपको ऐसी चीज मिली, लेकिन विश्वास कीजिए ऐसा हमारे साथ भी पहली बार हुआ है। आप कहीं भी पूछ लीजिए, नागपुर के अच्छे अच्छे घरों में हमारी साड़ियाँ पहनी जाती, लेकिन आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। पता नहीं आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि जो आपकी साड़ियाँ खराब हैं वो रिप्लेस करके और आपको एक उसी कीमत की एक्स्ट्रा साड़ी दे देता हूँ, बस बद्दुआ मत दीजिए हमें। ठीक है भैया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो दिखाना है जल्दी दिखा दीजिए। मैं अभी आपको साड़ियाँ दिखाता हूँ। नहीं अंबर, तुम रहने दो। ऋषि जी, तुम्हें ने साड़ी दिखा। जी भैया। अब मैडम आप मेरे साथ चलिए इस तरफ। वैशाली बेटा, बेटा सुनो, दिव्यानी को अभी भी हल्की सी हरारत है, तो खाना उसके कमरे में देके आना, लेकिन अभी मत देना, अभी वो दवाई खा के सोई है। जी, तब तक आप शुरू कीजिए। हाँ। समीर बेटा। जी बाबूजी। बेटा रोहिणी कहाँ है? बाबूजी दरअसल बंटी की भी तबीयत खराब है, रोहिणी उसी के पास है। बेटा अगर ज्यादा बुखार है तो डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बाबूजी उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो दिन भर पानी से खेलता रहता है, सर्दी पकड़ ली। वो तो पानी से भीगा होगा और भीगने से बुखार आ गया होगा उसे। और पता नहीं आजकल एक अलग जिद पकड़ के बैठ गया है, कार चाहिए कार चाहिए कार चाहिए। रोहिणी बता रही थी कि इतना रो रहा था और रोते रोते ही सो गया। अरे बेटा तो ले दो ना उसे कार, वो कौन सा लाखों वाली कार की बात कर रहा है, वो तो खिलौने वाले कार की बात कर रहा है ना, कल ले देना उसे कार। जी बाबूजी। अंबर कहाँ है? अंबर नहीं आया खाने के लिए? पापा उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो कह रहे उनको भूख नहीं है, तुम लोग खाना खा लो। क्या बात है, अभी सभी बीमार पड़ रहे हैं, अब उसको भी बुखार है क्या? नहीं नहीं बुखार नहीं है पापा, बस कह रहे हैं कि भूख नहीं है, मन कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा बेटा तुम तो बैठो। अरे ऐसे कैसे नहीं है भूख उसको, दिन भर कस्टमर्स की हाँ में हाँ मिलाकर पूरे दिन तेल निकलने के बाद अगर बंदा शाम को ठीक से खाना नहीं खाएगा तो फिर कैसे चलेगा? मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। अरे बेटा तुम तो खा लो। मैं अंबर को बुलाकर लाऊंगा और उसके साथ ही खाना खाऊंगा। अरे वाह मेरे शेर, आज तो कमाल कर दिया तुमने, अब
तो मैं ये जानने के लिए मरी जा रही हूँ कि आखिर एग्जैक्टली किया क्या तुमने दुकान में? देखा नियति बेटा, इसे कहते हैं भाई भाई का प्यार। अगर एक भाई ने खाना नहीं खाया तो दूसरे भाई के गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। चलो भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी। सब कहने की बात है बाऊजी, भूलिए मत, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत भाइयों के बीच ही हुई थी। अरे भैया, मुंह फुला हुआ है जनाब का। कल तेरे अच्छे काम के लिए मैंने इनाम दिया था और आज थोड़ा सा डांट दिया तो इतना बुरा लग गया कि भूखी मर गई। वो बात नहीं है भैया। चल मैं जानता हूँ क्या बात है, चल खाना खाने चल। भैया मुझे सच में भूख नहीं है। चल ना, मुझे पता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है? दिखा 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 दिखा। भैया मुझे सच में भूख नहीं है, मुझे पेट में। अरे पर मुझे तो भूख लग रही है ना। देख, अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है और अगर तू ये समझता है कि मैंने तेरे भले के लिए डांटा है तो चल खाना खाने चल। अरे चल ना। अच्छा चल, देख कान पकड़ के माफी मांगता हूँ तेरे से, आगे से कभी नहीं डांटूंगा, ठीक है? कान पकड़ोगे आप तो? मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, कल भी नहीं खाऊंगा, देखना आप। अरे क्या बचपना है, अंबर उठो। चलो सब वेट कर रहे हैं टेबल पे। नहीं खाएगा पक्का? जिद पकड़ ली, ठीक है तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और मैं सबको बोल देता हूँ कि वो भी खाना नहीं खाएं। मैं जा रहा हूँ सबको बोलने। अरे भैया सुनिए तो सही, भैया जो मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हुई उसके लिए सॉरी। अरे छोड़ ना यार। अरे बाऊजी, आपने खाना खा भी लिया? अब भाई हमने तो शुरू कर दिया था इसलिए खत्म भी कर दिया, और वैसे भी मुझे लगा कि तुम दोनों फिर से अपनी दुकान का हिसाब किताब करने लगे तो मुझे लगा कि तुम लोग बहुत देर लगाओगे। आप लोग बैठिए, मैं खाना। हाँ हाँ चलो भी, तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा तुम्हारी माँ का बुखार चेक करता हूँ। जी बाबू जी। मैं भी चलता ही। अरे ऋषि भैया बैठिए ना, खाना हो गया तो क्या, हम तीनों भाइयों ने कितने टाइम से कोई गप्पे नहीं मारी है, आप बैठिए ना। अब सुन, अरे बैठिए ना, सुन क्या, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए ना, आप भी खाना हो गया तो जा रहे हैं, कुछ बात है? तो मुझे बहुत थकान हो रही है, नींद भी आ रही है, कल सुबह सुबह दुकान जाना है ना, इसलिए मैं चलता हूँ। जब भैया कह रहे हैं तो बैठ जाओ ना। सर में भी बहुत दर्द है, मैं चलता हूँ। भैया मैं सुबह से देख रहा हूँ ऋषि भैया बहुत परेशान लग रहे हैं, आपने नोट नहीं किया? हाँ मुझे भी लगा, सुबह बात करूंगा मैं उससे, तब तक शायद उसका मूड भी ठीक हो जाए। तू खाना खा।